आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है जो कि किसी रंग की प्रकाश किरण में 39 डिग्री का न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है और प्रश्न में कह रहा है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो हमें क्या दिया हुआ, हमें प्रिज्म कोण दिया गया, मतलब हमें a का मान दिया गया है 60 डिग्री, और हमें क्या दिया गया है, हमें न्यूनतम विचलन कोण दिया गया है डेल्टा m बराबर क्या दिया गया है 39 डिग्री, और हमसे क्या पूछा गया, प्रिज्म का अपवर्तनांक मतलब म्यू का मान पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिज्म के अपवर्तनांक, विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण में संबंध होता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे दो बटा साइन ए बटा दो। तो यहाँ पर करेंगे साइन ए का मान कितना दिया है 60 डिग्री, डेल्टा एम का मान कितना है 39 डिग्री, बटे दो बटा साइन ए का मान कितना था 60 डिग्री बटे दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या कितना मिल जाएगा हमें, साइन 49.5 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रश्न में साइन 49.5 का मान दिया गया है 0.76, तो यहाँ पे मान रख देने पर तो क्या मिल जाएगा हमें 0.76। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 को लिख सकते हैं 0.5। तो यहाँ से हमें अपवर्तनांक मिल जाएगा म्यू बराबर 1.5। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था, प्रश्न हमसे पूछा गया था कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा 1.5। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।